मनोकामनेश्वर शिव मंदिर पावर हाउस में सावन महोत्सव एवं कावड़ यात्रा निकालने को लेकर ओम धर्म सेवा एवं जन कल्याण समिति की बैठक मंदिर समिति के संयोजक सुमनशील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में इस वर्ष भी शिवनाथ नदी तट से पैदल कावड़ यात्रा 8 अगस्त को निकालने का निर्णय लिया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवनाथ नदी तट से पैदल पावर हाउस स्थित मनोकामनेश्वर मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकालने ओम धर्म सेवा एवं जन कल्याण समिति की बैठक मनोकामनेश्वर मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में सावन महोत्सव को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने भिलाई के विभिन्न स्थानों पर समिति की सांस्कृतिक महिला मंडली द्वारा शिव चर्चा के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक की जानकारी मंदिर समिति के संयोजक सुमनशील ने दी। सावन का मास बाबा भोलेनाथ का हर दिन आराधना करने का मास होता है और मंदिर उपरांत बनने के बाद से साल 2001 से विगत 20 वर्षों से ओम धर्म सेवा जन कल्याण समिति के द्वारा विशाल कांवर यात्रा निकाला जाता है। इसी कांवर यात्रा के संबंध को लेकर आज एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में 8 अगस्त सावन सोमवार के अंतिम सोमवार को कांवर यात्रा निकाला जाएगा और साथ ही 10 अगस्त को एक विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। और इस बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सावन पर्व समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। बहरहाल बैठक में 10 अगस्त को मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शिव भक्तों का सम्मान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति का विस्तार करने पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।